जब से अलैनी तिस बाबू के सुसनमा बदल गेलै बिहार बाना, जब से अलैनी तिस बाबू के सुसनमा बदल गेलै बिहार बाना, जब से अलैनी तिस बाबू के सुसनमा बदल गेलै बिहार बाना। बढ़ी गेलै अब त बेटी सबके मानबा, बदल गेलै बिहार बाना। बढ़ी गेलै बेटी सबके मानबा, बदल गेलै बिहार बाना। मैं एक प्रदेश नेत्री होने के बावजूद आप लोगों के लिए गाना गाई, उसके लिए बहुत बहुत। बुधवार को भारी गमाह गहमी के बीच भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र के मंडल मिश्र संस्कृति महाविद्यालय संजात के प्रांगण में प्रखंड जेडीयू अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध रूप से चंदौर निवासी क्रियाशील जेडीयू की सदस्य पिंकी देवी को चुन लिया गया। इसकी जानकारी देते हुए चुनाव पर्यवेक्षक राम नरेश सिंह ने बताया कि चुनाव में उम्मीदवार के रूप में प्रखंड प्रमुख इंद्रजीत कुमार, सुनील कुमार राय, पूर्व प्रमुख ओशनील पासवान प्रखंड अध्यक्ष पद के लिए प्रबल उम्मीदवार थे। उम्मीदवार की संख्या को बढ़ता देख एक प्रस्ताव आया कि विवाद को छोड़ महिला को प्राथमिकता दी जाए और सभी कार्यकर्ता सहमत हो गए और सर्वसम्मति से पिंकी देवी को जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया। इस अवसर पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता गुजन कुमार ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं को आरक्षण देकर आगे बढ़ाने का सफल प्रयास कर रही है। आज इसी कड़ी में महिलाओं को मौका दिया गया है। हमें उम्मीद है कि पिंकी देवी पार्टी संगठन को मजबूत बनाने में कारगर साबित होंगी। वहीं नव निर्वाचित प्रखंड अध्यक्ष पिंकी देवी ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने हमें जो जिम्मेदारी दी है उसे हम निभाने का प्रयास करेंगे। मौके पर चुनाव प्रभारी गंगा प्रसाद राय, डॉक्टर सुंदेश्वर प्रसाद सिंह, प्रखंड प्रमुख इंद्रजीत कुमार आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। माला पहन रहा कोई जरूरी माला पहन है तेरे को क्यों नहीं था दो बार माला पहना तो नहीं जा माला ने के बहुत बड़ा जवाब दे ही बढ़िया आदमी हो गड़बड़ अब आओ अंत नहीं बैठो सब ये जिस कदम पर चलेंगे पार्टी के हित में, मैं हमेशा इनके कदम से कदम मिला के अपना कर्तव्य का निर्वहन करूंगा, कभी पीछे नहीं हटाऊंगा और भगवानपुर में जनता दल यू संगठन को इस मुकाम तक पहुंचाऊंगा जिस मुकाम तक कोई पार्टी आज तक नहीं पहुंची। जी मैं भगवानपुर प्रखंड निर्वाची पदाधिकारी, अभी जो हमारे जनता दल यूनाइटेड भगवानपुर के कार्यकर्ताओं ने जो उत्साह दिखाया एक साधारण सी महिला को तीन तीन क्या कहते हैं कैंडिडेट होते हुए, और गुंजन जी का मैं योगदान इसमें बहुत बड़ा समझता हूँ, जो एक बार में एक शब्द बोले और सब अनुशासित होकर के इस बात को स्वीकार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं गुंजन जी को भी धन्यवाद देता हूँ। एक हमारे घर की बहू को इन्होंने जो सम्मान दिया है वो सदा के लिए आभारी हम इनका हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूँ। आज जनता दल यू भगवानपुर प्रखंड के सभी हमारे जनता दल यू के कार्यकर्ता क्रियाशील सदस्य उपस्थित हुए और सबों ने दरिया दिल्ली दिखाते हुए हमारे जितने भी साथी थे प्रखंड अध्यक्ष सभी मिलकर पिंकी देवी को सर्वसम्मति से भगवानपुर प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष चुने, जिससे पार्टी में बहुत हर्ष है और यह एक जिला में मैसेज गया जो जनता दल यू ने भगवानपुर प्रखंड ने यह दिखाया जो महिलाओं को सम्मान देकर और अपनी पहचान पूरे जिला और राज्य को पार्टी की ओर से दिया गया है। हम सभी भगवानपुर के साथियों को, सभी क्रियाशील साथियों को, सभी सम्मानित साथियों को, विशेष करके हम गुंजन जी को जो पार्टी के 94 से साथी लगातार हैं और इसको एकता बनाते हुए पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष का चुनाव में हम पर्यवेक्षक राम नरेश सिंह जनता दल यू के जिला उपाध्यक्ष हैं, बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं
और हमारे जितने भी साथी हैं वे हर्ष के साथ हैं और सबों की सहमति है जो पार्टी आगे बढ़े। पिंकी देवी को हम यही कहना चाहेंगे, जो पार्टी जिस अवस्था से बढ़ रहा है और आप उसको आगे बढ़ाइए, अपने महिला साथियों को बहुत जोड़िए पार्टी में, क्योंकि आप महिला प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, इससे लोगों को एक आशा बनेगी। जो महिला प्रखंड अध्यक्ष बनने से पार्टी में देखते हैं अगर 200 सदस्य है तो महिला में 5-7 सदस्य मिलती है। आप प्रखंड अध्यक्ष बने हैं, हम आपसे आशा रखते हैं जो महिला को आधा नहीं कम से कम 25% महिला की भी उपस्थिति हो, यही आशा और विश्वास के साथ मैं सबों को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, यहाँ पर मेरे जितने भी अभिभावक गार्जियन हैं, मैं सब लोगों का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ। जो सम्मान इन्होंने एक बहू को नहीं एक बेटी को भगवानपुर प्रखंड में दिए हैं, ये कहने लायक नहीं देखने लायक है। और मेरे जितने भी गार्जियन हैं, मेरे भाई बंधु हैं, उन्होंने ना एक दूसरे से विरोधाभास किया और अपने घर की बहू बेटियों को एक चौराहे पे ला करके माला पहना करके और ससम्मान सहित उन्हें कुर्सी पे बिठा दिए हैं। और जिस आशा और उम्मीद से इन्होंने मुझे प्रखंड भगवानपुर, आज जो भगवानपुर प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव किया गया, जिसमें निर्विरोध सर्वसम्मति से हम लोग आदरणीय पिंकी देवी जी को प्रखंड अध्यक्ष बनाया है, हमको बहुत खुशी है। आज मेरा जदयू परिवार टूटने के कगार पर था, टूटने से बच गया, हमको बहुत खुशी हो रही है। मेरा जदयू परिवार आज बहुत मजबूत हुआ है, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं कहना है। हम एकजुट हैं, मेरा संगठन मजबूत है। जय हिंद, जय बिहार, जय नीतीश कुमार।